या मैं आपको आपके कैदी जो है पूर्ण तौर पर छोड़ दू। हम अपने कहा जनाब हम गिरफ्तारियां और भी देने के लिए लाए, हमें कैदियों की जरूरत नहीं, हमें ना अगले दस फॉरम से जरूरत की जरूरत है। हम अगर कोई बात करना चाहते हैं तो इस वक्त मौजूदा जनूद जो रोजे अशूरा नहीं निकल सका, हम उसकी विदाहत चाहते हैं, उसके लिए तारीफ चाहते हैं। आप कहते हैं 8 दिन के बाद निकलेगा, हम 8 दिन के बाद आएंगे। आप कहते हैं 2 महीने के बाद निकलेगा, हम 2 माह के बाद आएंगे। लेकिन इंतजामिया की हलचल नहीं, वो इस बात पर आमादा नहीं हो रही थी, लेकिन उसे मजबूर होना पड़ा। जमान लिया कि ये कमेटी बनाई जाए जिसमें 3 आदमी मकामी हो, 3 आदमी इंतजामिया के हों और वो 6 आदमी मिलकर हुकूमत से किसी नई तारीख का मुतालबा करें और नई तारीख बहुत जल्द नई तारीख फिक्स करके फिर यहाँ से ये जरूरत है निकाला जाए। ये उस मायदे की शर्त थी जो हम चाहते थे, जो वहाँ के मोमिनीन चाहते थे, लेकिन हम इस वादे से मुतमइन नहीं है क्योंकि हम समझते हैं कि ये फासिद हैं, ये झूठे हैं। जो लोग कहते हैं 8 सितंबर को जरूरत होगा, वो 8 सितंबर को हमें इजाजत नहीं देते, तो इस वायदे से भी फिर सकते हैं वो, लेकिन वहां के हालात और मोमिनीन के इसरार पर हमने ये चाहा है कि ये वायदा हो जाए और एक मौका इंतजामिया को फराम कर दिया जाए ताकि कल को वो ये न कहें कि आपने हमारे साथ ऐसी कोई बात नहीं की थी, हमें आपने कोई मौका नहीं दिया। राजा ने ईमानी अदादारी हमारी शहर की हयात है। हम जब ये कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जबान से कहते हैं, हम अमल से कहते हैं, हम उस पर अमल करके बताते हैं, हम हर महाज में बैठ कर बताते हैं और हम इस निगरान हुकूमत को चैलेंज करते हैं, इस मरकजी हुकूमत को चैलेंज करते हैं। उनको ये आज इस स्टेज से कह देना चाहते हैं कि निगरान वजीर आला, निगरान वजीर आजम साहब, ये जलूस नहीं रुक सकता। इसका हल एक है और वो हल ये है कि जो मुआहदा आपकी इंतजामिया ने किया है अब उस पर आप कार्यबंद रहे और इस जलूस के लिए जल्द अज जल्द किसी नई तारीख का ऐलान करें और उसके लिए उसके इंतजाम। इस इजमा की रिसालत से मैं जम करार दूँ जी। मैं मुझे एक बात और भी कहनी थी, मुझे याद दिलाई गई है। मैं एक तरफ तो मानसेरा की इंतजामिया की बात कर रहा हूँ, उस दिल्ली इंतजामिया की बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ तो भी उस इंतजामिया का हिस्सा है। जो लोग हमारे साथ मुहर्रम में चेहलम पर हमारे साथ हर वक्त हमारे साथ उन्होंने ताउन किया है, हमारे साथ चलते रहे हैं, हमारे हर मुश्किल में वो पहुंचते रहे हैं, उन्होंने हमें हर किस्म का तहफ्फुज़ दिया है। तो मैं ये जरूरी समझता हूँ कि यहाँ पर जिले इंतजामिया पिशावर का शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने मुहर्रम के दौरान मुहर्रम के इंतजाम बड़े अहम तरीके से निभाए और आज ये इंतजाम ये अहम तरीके से निभाए गए इंतजाम थे जिनकी बदौलत आज का जेलम भी बड़े अहम तरीके से निभाया जा रहा है। मैं इसमें डिप्टी कमिश्नर, SSP पिशावर, DSP जितने भी वहाँ पे ड्यूटीज दे रहे, सिटी के DSP फंक्शन सैयद अफ्तर अली शाह साहब, हमारे साथ जो ज्यादातर इंस्पेक्टर साहबान जिसमें मोहम्मद एजाज साहब, जिसमें हमारे C Division के इंस्पेक्टर साहब शमसुर रहमान साहब, खान राजर साहब, ये लोग जो इस पिशावर के हालात से वाकिफ थे और उन्होंने जिस तरीके से इन हालात को संभाला, हम उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में मैं चंद करारदादें आपके सामने पेश करता हूँ और आपसे ये गुजारिश है कि हर करारदाद का जवाब आप अल्लाह पर के नारे से। शियान अदर करार का ये इज्तिमा हुकूमत पाकिस्तान से बिलमूम और हुकूमत सरहद से बिलखसूस मानसेरा में रोजे अशूरा रुके हुए जलूस को निकलवाने का बंदोबस्त
مطالبہ کرتی ہے کہ نکلوانے کا بندوبست کرے. پرسوں معاہدہ زیر انتظامیہ کا مقامی مومنین کے درمیان طے پایا ہے, اس کی سختی سے پابندی کی جائے, بصورت دیگر نتائج کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی. شیان یہ قرارداد آپ کو منظور ہے؟ شیان امر قرار کا یہ اجتماع مانسہرا کی زیر انتظامیہ بالخصوص شامل ہیں, ان کو برطرف کیا جائے اور ڈی جی مانسہرا کی طرف سے دی گئی دھمکیوں کی مذمت کرتے ہیں. قرار کا یہ اجتماع حکومت اتحاد سے مطالبہ کرتا ہے کہ تاریخ نبادہ کی قید جواب کیا ہزارہ ڈویژن کے صدر ڈاکٹر سید حسین رضا اور بانی جلوس سید افضل رحمان ایڈوکیٹ کو فوراً رہا کیا جائے اور باقی ماندہ اسیران کو بھی جلد رہا کیا جائے. ہم نام کی رہائی کے لیے تحریک چلائی جائے گی جس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی. آج کا یہ عظیم اجتماع حکومت خراب سے مطالبہ کرتا ہے کہ شہید ملت علامہ سید عارف حسین الحسینی کے مقدمہ قتل کی تفصیل کو مکمل کرے اور مقدمہ قتل میں ملوث افراد کو فوراً گرفتار کرے. شیعہ عدل قرار کا یہ اجتماع سعودی عرب میں امریکی فوجوں کی مداخلت کی سختی سے مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ تقدس حرمین شریفین کو برقرار رکھنے کے لیے یہودی فوج کو نکالا جائے اور حکومت پاکستان کے سعودی عرب فوج بھیجنے کے فیصلے کو قومی وقار کے منافی سمجھتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستانی افواج نہ کسی سعودی طرف کی نگرانی کے لیے ہوں بلکہ وہ صرف اور صرف حرمین شریفین کے تقدس پر قرار رکھنے کے لیے استعمال کیے. یہ قراردادیں آپ کو منظور ہیں؟ اس دور سے آپ جواب دیں کہ یہاں پہ جو انتظامیہ کے لوگ موجود ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہ مطالبات اور یہ جذبات تمام مومنین کے ہیں. نعرہ تکبیر اللہ